तो पहला जी आप मैदा गुन्नी दिया जी, मैदा गुन्ने तो पहला पानी पाई दिया जी कढ़ाई के बच्चे आप बाहर नमक पा दी जी, फिर उन्हें मैदे आप मैश करके चंगी तरह गुन्नी दिया जी। गुन्नों तो बाद फिर वो आप 5-10 मिनट बाद उन्होंने छड़ दी दिया जी कि चंगी तरह अपना सैट हो जाए सारा कुछ। उस तो बाद फिर वो आप तह लाने जी घ्यो की, वो 6-7 तरह की लेयर आ जाती है जी। उस तो बाद फिर लेयर ला के उन्होंने फिर 10-15 मिनट बाद फिर सानू छड़ना पैंदा है। छड़न तो बाद फिर साडा सारा जी थले आ जाता मैदा जी। मैदे तो बाद फिर साढ़े आलू होंगे जी, उन्होंने मैश करी दिया जी रगड़ के चंगी तरह, और गोभी प्याज अदरक धनिया मेथी लसन नमक मिर्च अनारदाना अजवैन वगैरह मिक्स करी दिया जी सारा कुछ। उस तो मिक्स करन तो बाद फिर जी साडा थले आन के आप टोकां करी दी जी मैदे दियाँ, और स्टफिंग करके फिर उन्होंने आप वेलते हैं जी। वेलन तो बाद फिर तंदूर के लग जाता जी, तंदूर के लगन तो 10-15 मिनट बाद बहार आता है जी, वो बाद प्लेट का प्रवाह मक्खन ला के कर दीदा जी। साढ़े जी 4 तरह का कुलचा है जी, अमृतसरी कुलचा है जी, मसाला कुलचा, पनीर कुलचा, पनीर विद मसाला है जी। अमृतसरी तो मसाले कुलचा स्टफिंग सेम है, मसाला कुलचा कस्टमर जो स्पाइसी मांगता उ मक्खन डबल आ जाता है, तो पनीर वाले का सेम ही है जी, स्टफिंग दोनों की सेम है, पनीर वाले पर स्पाइसी कर दी जाए उन्होंने। साढ़े कुलचे बाहर भी जाते हैं जी, अमेरिका कनेडा बैंगलोर सब जगह भेजी दिया जी, थोड़े हाफ डाउन करके भेजी दे उ जाके तवे से गर्म करो तो सेम प्रॉपर टेस्ट इस तरह का है जी।